दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि कब है नेक्सॉन की लॉन्च एंड नेक्सॉन से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो एंड तक जरूर देखें, एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कास्ट चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। तो टाटा नेक्सॉन का हाल ही में जो है BS6 जो फेज 2 था जिसमें इनका इंजन अपडेट करा गया था, जिसमें इनके NVH लेवल्स बहुत ज्यादा कम कर दिए गए थे, एंड उस वजह से 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी अब काफी रिफाइंड इंजन हो चुका है, वाइब्रेशंस बहुत कम आती हैं। तो जो भी अब नए बायर्स हैं नेक्सॉन जो भी परचेस कर रहे हैं, वो लोग हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि भाई पहले जो 2017-16 में जो नेक्सॉन आती थी जिसमें वाइब्रेशंस अंदर बहुत ज्यादा फील होते थे, क्योंकि टाटा हमेशा से 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन ही बनाते आई है जिसमें लगभग 125 PS की पावर देखने को मिलती है। बट दोस्तों अब सवाल ये उठता है, ये तो सारी बात हो गई इंजन की, बट सवाल ये उठता है कि जो डिजाइन चलते हुए आ रहा था वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड डिजाइन हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि डिजाइन के परस्पेक्टिव से, अंदर इंटीरियर के परस्पेक्टिव से, सबसे इंपॉर्टेंट बात गियर के परस्पेक्टिव से आपको कि क्या गियर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है उसकी सारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग बाहर के डिजाइन की, तो इसका जो बाहर का डिजाइन है वो टाटा ने बहुत ज्यादा रीइन्फोर्स करा है अपने टाटा कर्व से, जो हाल ही में ऑटो एक्सपो में इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट कार दिखाई थी, एंड बहुत बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि 2024 के एंड तक आपको टाटा कर्व भी देखने को मिल जाएगी, जो आपका क्रेटा और किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, इन सबका राइवल होगा। तो अगर आगे की बात करें टाटा नेक्सॉन की, तो आगे का जो ग्रिल है, आगे का जो आपकी जितने भी क्रीजेस वगैरह हैं वो बहुत मेजरली अपडेटेड हुई हुई हैं। आपको LED सेटअप देखने को मिलेगा आगे लाइट के, एंड आगे का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। एंड अगर हम टाटा कर्व से कंपेयर करें तो काफी हद तक जो उसके डिजाइन एलिमेंट्स है वो आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिल जाएंगे। वही अगर हम लोग बात करें आगे सेटअप की, तो आपको मैंने बताया कि आगे आपको LED सेटअप देखने को मिल जाएगा। एक दोस्तों और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको टाटा नेक्सॉन के बारे में, तो बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि टाटा नेक्सॉन का अब आपको हर वेरिएंट में जो है सनरूफ देखने को मिलेगी। तो अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो बेस वेरिएंट जो भी आता है इनका XC वेरिएंट, उसके बाद XC प्लस भी देखने को मिलेगा। तो अब आपको हर वेरिएंट के साथ सनरूफ देखने को मिलेगी, इवन टॉप वेरिएंट भी अब ऐसा वेरिएंट आएगा जिसमें एक में सनरूफ होगी एक में नहीं होगी, तो ये भी अच्छी चीज होने वाली है। वही बात करें साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों बैक प्रोफाइल में, तो बैक प्रोफाइल में काफी लोग कंप्लेंट करते हैं नेक्सॉन की कि बहुत ज्यादा अजीब सा लगता किसी को बैक, बहुत आउटडेटेड लगता था, एंड काफी अगर हम कंपेयर करें वेन्यू से एंड किया सोनेट से तो वो बहुत ज्यादा अपडेटेड कार्स अब लग रही थी, क्योंकि सब में अब कनेक्टेड लाइट्स देखने को मिलती है। तो वो दोस्तों अब टाटा ने भी अब वही कॉन्सेप्ट ले लिया, एंड आपको टाटा नेक्सॉन में भी पीछे की तरफ कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाएंगे, एंड आपको ये डिजाइन भी टाटा कर्व से कहीं ना कहीं रिजेंबल करता हुआ देखेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, तो बहुत ज्यादा मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है, एंड टाटा नेक्सॉन अब पहले से ज्यादा बेटर गाड़ी लग रही है। एंड सबसे मेन बात जो इसके बोल्ड लुक्स थे उसको अब थोड़ा सा इन्होंने फ्यूचरिस्टिक लुक ऐड करके एक कंप्लीट कार देखने को मिल रही है, एंड जितने भी राइवल्स थे Hyundai किया जो अपनी डिजाइन लैंग्वेज के बारे में जाने जाते थे, उनसे अब टाटा नेक्सॉन कम्पीट करने के लिए कम्प्लीट तैयार हो चुकी है। बात करें हम लोग इंटीरियर की, तो इंटीरियर में एक सबसे मेजर इश्यू जो आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलता था वो ये था कि टाटा नेक्सॉन की जो आपकी स्क्रीन थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से काफी जो टाटा नेक्सॉन ओनर्स थे वो कंप्लेन करते हैं कि भाई इसकी जो स्क्रीन है उसको अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों मैं बता दूं फाइनली आपको फुल 10 इंच की स्क्रीन जो आपको हाल ही में अभी सफारी वगैरह में देखने को मिल रही है वो ही आपको सिमिलर देखने को मिलेगी नेक्सॉन में, एंड ये बन जाएगी पहली गाड़ी इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, क्योंकि अभी तक कोई भी इस सेगमेंट में गाड़ी नहीं आती है टाटा की जिसमें आपको इतनी बड़ी स्क्रीन देखने को मिले। तो आपको अब नेक्सॉन से वही स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो आई होप अब आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। वही बात करो आपकी स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में आपको 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, एंड ये बन जाएगी टाटा की पहली गाड़ी जिसमें आपको ये स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। अभी जितने भी आपको ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट कार दिखाई थी उसमें ये स्टेयरिंग देखने को मिल रहा था, एंड दोस्तों इमेजेस से पता लग रहा है कि टाटा नेक्सॉन बन जाएगी पहली गाड़ी जिसमें आपको ये वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। अब तक दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर हम गियर कॉम्बिनेशन की, तो इसमें आपको बहुत मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो आपका टाटा एल्ट्रोस में DC ट्रांसमिशन आता है 7-स्पीड वाला, वही आपको नेक्सॉन में भी देखने को मिलेगा, एंड उसमें जो ट्रांसमिशन है DCA वाला वो बहुत स्मूथ है, एंड सिमिलर हम सोच रहे हैं कि नेक्सॉन में भी यही परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे गियर के, एक हो जाएगा आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन, एक हो जाएगा AMT, एंड साथ ही साथ इसमें हो जाएगा DCA ट्रांसमिशन भी, तो आपके 2 6-स्पीड हो जाएंगे एंड एक हो जाएगा 7-स्पीड गियर बॉक्स।
तो ये तो सारे बात होगी कॉम्बिनेशन की आपकी गियर की। अब फाइनली बात कर ले अगर हम लोग इंजन डिपार्टमेंट की, तो इंजन डिपार्टमेंट लोग ये अनुमान लगा के बैठे हुए थे कि इंजन इस बार आपको जो 1.2 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन था TGDI जो आपको ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था कि वो देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकलता है, बट सैडली वो दोस्तों नेक्सॉन में नहीं आने वाला। मेरे को पास सिर्फ फील होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर ये इंजन आ जाता। तो अभी के लिए फिलहाल आपको 1.2 लीटर जो ऑलरेडी इंजन आ रहा है वो मिलेगा, एंड साथ ही साथ जो इसका 1.5 लीटर जो आपका डीजल इंजन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम वेरिएंट्स की बात करें तो आपके पास लगभग 25 प्लस वेरिएंट्स होने वाले हैं टाटा नेक्सॉन में, डीजल आपका पेट्रोल एंड पेट्रोल में भी भर भर के वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो मेरे को लगता है कि अब जो एस्टिमेटेड प्राइस निकल के आने वाली बेस वेरिएंट की लगभग 8-10 हज़ार के आसपास हो जाएगी, क्योंकि फीचर्स वगैरह काफी बढ़ जाएंगे, आपको डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो टाटा नेक्सॉन थी वैसे तो वो 5 सेफ्टी रेटेड कार थी, बट उसमें एक मेजर इशू था कि उसमें आपको एयरबैग्स वो केवल 4 ही देखने को मिलते थे। तो होपफुली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस वेरिएंट से आपको टाटा नेक्सॉन में 6 एयरबैग्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहेगा 14 सितंबर को लॉन्च है टाटा नेक्सॉन का, एंड देखते हैं कि प्राइस वगैरह क्या रहने वाला है। बाकी उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन दोस्तों मी हर्ष साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।